मेवाराम क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट शारीरिक योग एवं स्काउट शिक्षा। आज का टॉपिक शारीरिक शिक्षा, चैप्टर फर्स्ट। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, जैसे कि हमें शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा दो शब्दों अर्थात शारीरिक प्लस शिक्षा से मिलकर बना है। शारीरिक शब्द का अर्थ साधारण शब्दों में शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से होता है। ये शारीरिक बल, क्षमता, शारीरिक बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य आदि के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब शरीर की क्रियाएं, इन शारीरिक क्रियाएं, बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं, इत्यादि क्रियाएं करते हैं। बड़े मनुष्य अपने व्यवसाय के अनुसार भी क्रियाएं करते हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं शारीरिक के अंतर्गत नहीं आती। शारीरिक के अंतर्गत तो वही क्रियाएं आती हैं, जैसे प्रातःकाल में टहलने जाते हैं, जिसको मॉर्निंग वॉक भी बोलते हैं, और आसन, व्यायाम, योग इत्यादि करते हैं। ये क्रियाएं ही शारीरिक क्रियाएं कहलाती हैं। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत दूसरा जो शब्द आता है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, वो होता है शिक्षा। शिक्षा शब्द से अभिप्राय सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश, प्रशिक्षण या किसी कार्य विशेष के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश से हैं। अर्थात शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो मानव के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न शारीरिक व आंगिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से दी जाती हैं। अर्थात शारीरिक से ये स्पष्ट ही हो रहा है कि हमें शरीर की क्रियाएं करते रहने चाहिए। शरीर की क्रियाएं करते रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शारीरिक विकास करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय की सूचना अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है। शिक्षा मंत्रालय की सूचना अनुसार कितनी सुंदर बात कही गई है, कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर वाक्य इसमें लिखा हुआ है। शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है, इसके अलावा कोई और शिक्षा नहीं है जो बालक का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा के बिना हो सके। तो इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विभिन्न पहलू हैं, मानसिक विकास, आत्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास इत्यादि विकास होते हैं, जो कि हमारे विद्या भारती के लक्ष्य के अनुसार भी यही विकास हैं। तो बालक का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। तो सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक विकास होना जरूरी है। शारीरिक विकास के द्वारा ही सर्वांगीण विकास संभव है। यदि किसी बालक या व्यक्ति का शारीरिक विकास ठीक नहीं है, उसके शरीर का विकास ठीक नहीं है, तो वह कोई अदर दूसरे क्रियाकलाप या दूसरे विकास करने में अक्षम रहता है। इसलिए शारीरिक विकास बहुत ही आवश्यक है। कहा भी गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन निवास करता है, सॉरी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा
को पूर्णता मिलती है। दूसरा सारी शिक्षा की परिभाषाएं। सारी शिक्षा की कोई एक निश्चित परिभाषा देना असंभव है, क्योंकि परिभाषाएं विचारों के साथ बदल जाया करती हैं। कोई चाहे कि हम एक शब्द या एक वाक्य में सारी शिक्षा को समझा दें, तो ये असंभव ही है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कुछ प्रमुख शारीरिक शिक्षाविदों के द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे नंबर एक, बोल्टमोर और एमलिंग के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का पहलू है जिसमें शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसा पहलू है जिसमें शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, शरीर की जो क्रियाएं कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनमें शिक्षण दिया जाता है, उनका शिक्षण होता है। दूसरा है जेपी थॉम्स के शब्दों में, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। कितना सुंदर वाक्य है कि शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती हैं। यानी शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, इसके द्वारा ही बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाते हैं। ये सारी शिक्षा ही, सारी क्रियाकलाप ही शरीर और आत्मा को संपूर्ण बनाती हैं। नंबर थ्री, महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार सारी शिक्षा शिक्षा का वह अनिवार्य अंग है जो शरीर, मन तथा बुद्धि में समन्वय स्थापित करते हुए उन सामाजिक एवं लोकाचार के नियमों का ज्ञान कराती हैं जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। अर्थात सारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितना अनिवार्य अंग है, इसीलिए शरीर का मन और बुद्धि को स्थापित करते हुए सामाजिक लोकाचार के नियमों का ज्ञान भी बालक को होता है और मानव या उस बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। हम कोई सी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सारी शिक्षा उस शिक्षा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सारी शिक्षा को सभी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बताया गया है। सारी शिक्षा से केवल शारीरिक क्रियाओं का ही ज्ञान नहीं होता, अब तो इसमें शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान भी होता है। ऊपर दी गई सारी शिक्षाओं की परिभाषाओं में तीन प्रमुख तत्व हैं। नंबर एक, सारी शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है। शिक्षा का वह क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों तथा उनसे होने वाले प्रभावों से संबंध रखता है। तीसरा, इसका उद्देश्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। कितना सुंदर वाक्य है ये कि मनुष्य का उद्देश्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये हमारे विद्या भारती के लक्ष्य में भी निहित है। बच्चे का सर्वांगीण विकास के साथ सर्वांगीण विकास के ही ये अनेकों तथ्य हैं, पहलू हैं। तो इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य अवश्य होता है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
प्राणों को आनंद में जीवन की ओर ले जाना है। कितना सुंदर वाक्य है, आप ध्यान से इसे सुनेंगे समझेंगे कि कितना सुंदर उद्देश्य है कि प्राणी को, यानी केवल बच्चे को ही नहीं, यानी हर प्राणी के लिए उसके जीवन को आनंदमय बनाना है। चाहे व्यक्ति पास कितना भी धन संपदा इत्यादि सब कुछ वैभव हो, यदि उससे पूछा जाए आप आनंदित हैं, तो वह भी कह देगा हमें ये टेंशन है, वह टेंशन है, हम सुखी नहीं हैं। तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं है, तो ऐसे सब कुछ सर्वस्व होने का क्या फायदा है। इसलिए सारी शिक्षा का उद्देश्य आनंद में जीवन को बनाना है। आनंद में जीवन के अंतर्गत अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी वह आनंद से रह सकता है और वह सभी प्रकार के क्रियाकलाप और सभी प्रकार के साधनों को उपलब्ध कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक प्रकार का विकास अपना कर सकता है। सारी शिक्षा के अन्य उद्देश्य में व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं तथा विचारों आदि में परिवर्तन होता है। सारी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर उद्देश्य है। व्यक्ति इस संसार में रहते हुए अनेक क्रियाकलाप करता है और मनुष्य ने जिस हेतु जन्म लिया है उस ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, तो सारी शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का ध्यान आध्यात्मिक विकास की ओर आकर्षित किया जाता है या आध्यात्मिक विकास को ले जाया जाता है। आध्यात्मिक विकास में ही सब कुछ ज्ञान कराया जाता है, जैसे ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर क्या है और किस तरह से प्राप्त ईश्वर को किया जा सकता है, ये सारा ज्ञान आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। नंबर दूसरा, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत अभी काफ़ी कुछ समझाया है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास ठीक होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी वह सब कुछ कर सकता है। नंबर तीसरा, मनोवैज्ञानिक विकास। व्यक्ति के मन का विकास भी होता है। व्यक्ति का मन अगर सुदृढ़ है, मनोबल ऊंचा है, तभी वह सब कुछ कर सकता है, और मन गिरा हुआ है तो वह संभव कार्य को भी असंभव को बता देता है कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक विकास। व्यक्ति कितना कुछ भी प्राप्त कर ले और वह अकेला रहता है तो उसका सब सारा विकास व्यर्थ जाता है और वह समाज में रहते हुए अपना सामाजिक विकास करता है, समाज में रहता है, समाज के अच्छे बुरे कार्यों को देखता है, किसी की हेल्प करता है और किसी की हेल्प लेता है, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ये शिक्षा का, सारी शिक्षा का उद्देश्य है। पांचवा, नैतिक विकास। व्यक्ति का क्या अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या क्या कार्य हैं, उसका कैसा चरित्र होना चाहिए, ये सब नैतिकता व्यक्ति को सारी शिक्षा के अंतर्गत सिखाई जाती है। ये सारी शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्ति अपना, छात्र अपना नैतिक विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धिक विकास। कोई भी छात्र कितना भी पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, यदि वह अपनी विद्वता को प्रदर्शित नहीं कर सकता तो उसकी विद्वता इतनी सफल नहीं है। यदि वह जो सीखा है दूसरों को सिखा नहीं सकता तो उसके सीखने का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो सारी शिक्षा के अंतर्गत छात्र को बौद्धिक विकास होता है, उसे बोलने की क्षमता बढ़ाई जाती है, उसे सिखाया जाता है,
तो सारी शिक्षा का ये उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जो कि अति महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय भावना का विकास। यदि व्यक्ति सारे विकास अपने अंतर्गत समाहित कर ले और उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, यानी सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा और व्यक्ति अपने देश के काम नहीं आ पाया या देश के प्रति अपनी भावनाएं सुदृढ़ सकारात्मक सोच नहीं रख पाया तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। चाहे हम कुछ ना कर सकते हों लेकिन हमें अपने देश के प्रति प्यार, श्रद्धा और स्वाभिमान और अपने देश पर गर्व और अपने देश पर सर्वस्व निछावर करने की हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो ये सब हमारी सारी शिक्षा के अंतर्गत आता है, हम इस सारी शिक्षा के अंतर्गत ही ये सब कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो जो समझाया गया है सारा कुछ आप इसमें सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। इसके साथ धन्यवाद।